हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में, जो कि बढ़ा दी गई है। पहले जो आपकी डेट थी वो थी 13 से कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन 13/2/2020, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 18 थी, और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विथ लेट फाइन जो थी आपको 23 तक हुई थी, जिसमें आपको लेट फाइन आपको 125 रुपीज़ लगता। और आप सबको ये सारा फी जो है आप सभी को पता है, और यूजी कोर्स माइग्रेशन। तो अब मैं बात कराऊंगा कि डेट कब से कब तक बढ़ा दी गई है और उसमें लेट फाइन कब से कब तक लगेगी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये न्यूज यही है, आज की न्यूज है। तो ये देखिए, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में पंजीयन की तिथि बढ़ी। तो देखिए, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में कुछ दिन पहले कई छात्र संगठनों ने स्नातक की पंजीयन की तिथि बढ़ाने की मांग की थी। छात्रों के ज्ञापन के बाद विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि यूजी और पीजी दोनों का जो है रजिस्ट्रेशन डेट एक साथ बढ़ा दी गई है। पंजीयन की तिथि 27 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, विलम्ब शुल्क के साथ 29 फरवरी तक पंजीयन करा सकते हैं। तो पहले जो डेट थी वो 23 तक थी, 18 तक थी, और 18 से लेकर 23 तक विलम्ब शुल्क थी। लेकिन अब जो डेट है रजिस्ट्रेशन की वो 27 फरवरी तक कर दी गई है। और अगर आपको विलम्ब शुल्क जो है आपको 125 रुपीज़ ही लगेगा। इस पर अभी कोई न्यू अपडेट नहीं दी गई है। तो विलम्ब शुल्क आपको 125 रुपीज़ ही लगेगा। तो विलम्ब शुल्क 125 रुपीज़ के साथ आपका जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो बढ़ा दी गई, 29 तक होगी, और 27 फरवरी तक आपको बिना विलम्ब शुल्क का आपको रजिस्ट्रेशन होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।